हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड मैथ क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भिन्न से रिलेटेड, पार्ट फर्स्ट देखेंगे। 2 - 3/5, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 एक पूर्णांक है, तो हम 2 साधारणतया न लिख करके हम वहाँ पे लिख देंगे 2/1। क्यों? क्योंकि यह भिन्न रूप में परिवर्तित हो गया। एक लिखने से भिन्न कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, अर्थात लासा 5 आएगा। 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तभी हमारा 5 हर प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से हम 2 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तब 10 प्राप्त होगा। -3, क्योंकि नीचे हमारा हर जो 5 था, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार से 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। अब साधारणतया हम 10 -3 करेंगे तब हमें 7/5 प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है 4 + 7/8। चार साधारण लिखा हुआ है, पूर्णांक में लिखा हुआ है, हम 4 को उसी प्रकार से लिखेंगे 4/1। 1 लिखने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। और 7/8 या भिन्न रूप हो गया, 4/1 ये भी भिन्न रूप है। फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, 1 और 8 का एलसीएम, एलसीएम निकालना बच्चों जानते हैं, 1 और 8 का एलसीएम लासा 8 ही आएगा, हर में 8 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 1 को हमने यहाँ पे, आप समझ लीजिए, इससे पहले के प्रश्न में हो सकता है ना समझ पे आया हो, तो देखेंगे 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था तभी हमें हर 8 प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से हम 4 को भी 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 32 होगा, 8 × 4। और इसको लिखना नहीं हमको, ये हमने समझाने के लिए बताया था आपको, ये आपको लिखना नहीं रहता है। अब देखेंगे 32 + 7, 32 + 7 कितना होगा, 39/8 प्राप्त होगा हमको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट है 9/11 - 4/15। ब्लैकबोर्ड पे देखेंगे 9/11 - 4/15। 9/11 जिसमें 9 अंश है और 11 हर है, उसी प्रकार से 4/15 में 4 अंश है और 15 हर है। हर का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको लासा भी कहते हैं, हम एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये पिछली कक्षाओं में आपने अच्छे से पढ़ा था, एलसीएम निकालना आप जानते हैं, ठीक है। 11 ले लेंगे, अभाज्य संख्या है 11, 11 से करेंगे 11 एकन 11 हो जाएगा। 15 से कर लेंगे, 15 चूँकि एक संख्या बची है इसलिए उस संख्या को उसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 11 × 15, ठीक है। कितना प्राप्त होगा, 11 और 15 को जब गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमको, बच्चों बताओ कितना प्राप्त होगा, 165। हर हमारा 165 प्राप्त हुआ है। साधारणतया हम देखेंगे कि 9/11 और 4/15 जिसमें हर अलग अलग थे, अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हर हमारा एक हो गया है 165। ध्यान देना है कि 11 के स्थान पे 165 आ गया और 15 के स्थान पे भी 165 आ गया है। तो हमने किस संख्या से गुणा की कि 11
से वो 165 बन गया है। इस स्थिति में हम पता करने के लिए गेरा से भाग करेंगे 165 को, तब देखते हैं कि उत्तर में हमें 15 प्राप्त हो रहा है। हमको ये ज्ञात हो चुका कि गेरा की हमने 15 से गुणा की थी, तब हम 165 प्राप्त किए थे। क्योंकि यदि गेरा को 15 से गुणा करते हैं तो उस कंडीशन में 9 को भी उसी संख्या से ही गुणा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भिन्न हमारी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो 9 को हम 15 से गुणा कर लेंगे, तब देखते हैं कितना मिलेगा हमको, बताइए बच्चों, बताइए आंसर, कमेंट करिए। 135, ठीक है, 135 लिख लेंगे। और देखते हैं कि माइनस का चिन्ह था, घटाना का चिन्ह था, वो भी कर लेंगे। अगले देखते हैं, अगला पार्ट जो है 4/15 था, 15 से 165 बन गया है, तो हम फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यदि न जान पाएँ तब हम भाग कर लेंगे 15 को 165, 4 को भी हम 11 से गुणा करेंगे, तब हमें 44 प्राप्त होगा। 15 को भी हमने 11 से गुणा किया था तब 165 मिला था, 4 को हमने गुणा किया तब 44 प्राप्त हुआ। ये 44 अंश है और हर 165 है। अब घटाना कर लेंगे, घटा लेंगे तब हमें 91 प्राप्त हो जाएगा। 91/165 उसी प्रकार से उतार लेंगे, हर में और हमें कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 7/10 + 2/5 + 3/2। तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो तीनों भिन्नों का हर अर्थात 10, 5, 2 का लासा निकालेंगे। दो संख्याएं कट रही हैं, वो कौन सी संख्या है, 5। 5 से दोनों कट रही हैं, 5 से 10 भी कट जाएगा और 2, 5 भी कट जाएगा। 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, तो 5 हम लेंगे, फिर 2 लेंगे, 2 से 2 = 2 कट जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 कट जाएगा। अब हर संख्या ही लेनी रहती है, और कोशिश करें कि छोटी से छोटी संख्या ही ले, या नियम होता है लघु उत्तर समापवर्त का, ठीक है बच्चों। 5 × 2 5 × 2 = 10 प्राप्त हुआ है हमको लघु उत्तर समापवर्त। 10 के को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तब हर हमारा 10 हुआ था, 7 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 + 5 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा अंश मल्टीप्लाई, 2 से गुणा होगी तो हमको 4 मिलेगा, 4 प्राप्त होगा, प्लस 2 को 5 से गुणा किया था तब हमको 10 मिला था, तो 5 से अंश में भी गुणा करेंगे तब हो जाएगा 5 × 3 = 15, तब लिखेंगे 15। और ये प्रक्रिया जो हमने ऊपर और नीचे उतनी ही संख्या से गुणा करनी है, लेकिन ये आपको कॉपी पे दिखाना नहीं, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। हर वैसा का वैसा ही रहेगा, 10 उतार लेंगे, 10 लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे 10 ऊपर से, और इन सबको ऐड करेंगे, 10 प्राप्त हुआ है। ध्यान देना बच्चों कि ये 26/10 जो संख्या है या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से 2 × 5 = 10, 2 से 10 भी कट रहा है, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 अर्थात 26 भी कट रहा है, 13 × 2 = 26, तो सरलतम रूप में लिखेंगे 13/5, उत्तर हमारा
आ जाएगा। 13/5 आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों स्वतः आप लोगों को करना है। ये मिश्र भिन्न में भिन्न दी हुई हैं, तो इसमें आप साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो 2 सही 2/3 था, तो हर और जो सही में दिया हुआ है अर्थात पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, उसको हर और पूर्णांक से गुणा कर लेंगे। 3 × 2 = 6 हो जाएगा और अंश को उसमें ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो 8/3 हर वैसे ही उसी प्रकार से लिखा जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा। प्लस आगे अगली भिन्न में देखेंगे 3 और 2 की गुणा। देखो दिखाया है कहाँ किसको किसकी गुणा करनी है, 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ऊपर का 1 ऐड जो कर लेंगे, अंश ऐड कर लेंगे, तो 7/2 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। ठीक है, और भिन्न तो आप लगा ही लेंगे, कैसे लगी है अभी बताया था, उसी प्रकार से आप उसको लगाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला भी आप स्वतः करेंगे, और फिर आगे की चर्चा अगले टॉपिक अगले वीडियो में हम करेंगे।